तो सैमसंग A33 के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट सैमसंग ने रोल आउट कर दिया है। तो कितने साइज का अपडेट फाइल, क्या कुछ इस अपडेट में इम्प्रूवमेंट्स किया गया, क्या कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है, साथ ही बात करेंगे A33 5G के वन UI 5.1 अपडेट के बारे में कि कब तक A33 5G में वन UI 5.1 का अपडेट मिलेगा दोस्तों। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 95 लाइक, 95 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि 89% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द कीजिए और 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराइए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बात करें अपडेट फाइल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 226.84 MB का अपडेट है। जनवरी 2023 का हमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। लेटेस्ट इसलिए कि सैमसंग ने अभी तक फरवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट रोल आउट ही नहीं किया है, तो अभी जनवरी का ही लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है दोस्तों। इस अपडेट में सैमसंग ने डिवाइस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है, साथ में डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है, डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है, साथ ही कुछ स्टॉक एप्लीकेशंस को भी लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दिया गया है इस नए अपडेट के अंदर। इस अपडेट से पहले सैमसंग ने जनवरी के स्टार्टिंग में जो है वो मेंटेनेंस मोड का फीचर दिया था नवंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग A33 5G के लिए वो है वन UI 5.1 का अपडेट। और ये जो वन UI 5.1 का अपडेट है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो टेस्टिंग है वो लगातार चल रही है। सैमसंग ने कल ही एक फर्मवेयर को टेस्ट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट टेस्ट बिल्ड नंबर जो कि 6 फरवरी को टेस्ट किया गया है, और अपडेट टाइप में यहाँ पर वन UI अपडेट बता रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है और जो अपडेट है वो आपको फरवरी के एंड में देखने को मिलेगा। सैमसंग ने 1 फरवरी को S23 सीरीज को लॉन्च किया, उसके साथ सबसे पहले हमें वन UI 5.1 देखने को मिला है। तो अब सैमसंग जो है वो S22 सीरीज में अपडेट रोल आउट करने वाला है, जो कि फरवरी के मिड से सैमसंग जो है वो अपडेट रोल आउट करना स्टार्ट करेगा दोस्तों। और फरवरी के लास्ट तक सैमसंग A33 5G में जो वन UI 5.1 का अपडेट है वो देखने को मिलेगा दोस्तों, और काफ़ी सारे फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए जाने वाले हैं। तो वेट कीजिए, और भी अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।